हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं भेल पूरी और ये तो सबकी फेवरेट है। तो हम घर पे फ्री बैठे हैं, सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो मैं आपके साथ डेली वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं भेल पूरी। उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। ये है चावल के मुरमुरे, जिसको हम लोगों ने एक कढ़ाई में घी के साथ हल्दी डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और एकदम कुरकुरी फॉर्म में आ गया है ये। ठीक है, सबसे पहले हमने प्याज कट किया है, टमाटर कट किया है, थोड़ा सा धनिया है हमारे पास में मूंगफली है, ये हमारे पास बारीक नमकीन है, आपके पास जो भी नमकीन है आप वो डाल सकते हैं। ये आलू हम लोगों ने बॉईल कर लिए है, बॉईल आलू है। ये हमारे पास में है चटनी, इमली की चटनी जो हम लोग यूजली दही बड़े वगैरह में यूज़ करते हैं, तो मेरे पास रखी हुई थी। आप लोग इसको बना भी सकते हो, उसकी जगह सॉस भी यूज़ कर सकते हो। चाट मसाला और नमक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम लोग इसमें लेमन नींबू अच्छे से स्क्वीज करेंगे ताकि ये खाने में थोड़ा चटपटा हो जाए। और साथ ही गार्निशिंग के लिए अपन ऊपर से डालेंगे बारीक वाली नमकीन और थोड़ा सा हरा धनिया। मेरे पास में कुछ ये सांखी होते हैं, ये मेरे पास रखे हुए थे। आपके पास में जैसे मान लीजिए रोटी है, रोटी को आपने अच्छे से तल के उसको कड़क करके अच्छे से अपन जैसे स्नैक्स में खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। आपके पास भाकरी टाइप में कुछ हो वो आप इसको डाल सकते हो। थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, थोड़ा सा क्रंची करने के लिए, तो मैं ये इसमें यूज़ कर रही हूँ ताकि कुरकुरी बने। सो गाइस, देखिए हमारी भेलपूड़ी रेडी है सिर्फ 5 मिनट में, और आप इसको कभी भी बनाइए, सबके साथ शेयर करिए और खाइए। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अभी कुछ टाइम और चलने वाला है लॉकडाउन, तो प्लीज़ इंजॉय करिए अच्छे अच्छे फूड्स और अच्छे से रहिए। बाय, टेक केयर।